नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। ये अब जानते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरें। हिमाचल प्रदेश में आज दिन भर क्या कुछ खास रहा, पूरी जानकारी आपके साथ ये साझा करेंगे। हिमाचल में कल अग्निवीर भर्ती परीक्षा होगी, पूरी खबर आपके साथ साझा करेंगे। मंडी में होगी सीएम सुक्खू की आभार रैली, पूरी खबर आपके साथ ये साझा करेंगे। सीएम बनने के बाद सुक्खू का पहला शिलान्यास, जहां सीएम बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहला शिलान्यास किया है, पूरी खबर आपके साथ ये भी साझा करेंगे। तो यह आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि आपके साथ सारी खबरें विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और एनएसवी न्यूज को स्टार भेजें, ताकि हमें आपका सहयोग मिले और हम इसी उत्साह के साथ हर दिन हर खबर से आपको रूबरू करवाते रहें। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने उद्योग विभाग को राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए विशाल भूभैंक की तत्काल जरूरत है। भूमि हस्तांतरण के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए उचित प्रयास किए जाएंगे। एकजोड़ के करीब 12,000 छात्र छात्राएं यूजीसी के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के नए लागू नियमों में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में पंजीकृत होंगे। इसकी प्रक्रिया इन दिनों चल रही है। इसके लिए हर विद्यार्थी को अपने परीक्षा फॉर्म तय कर तय समय सीमा के अंदर जो है वो भरने होंगे। हिमाचल के मंडी जिला के करसोग से 5 बार के विधायक एवं 3 बार के मंत्री मनसाराम का आज निधन हो गया। उन्होंने आईजीएमसी शिमला में अंतिम सांस ली। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर राहुल राव ने इसकी पुष्टि की है। मनसाराम काफी समय से किडनी फेलियर की समस्या से जूझ रहे थे और 1 महीने से आईजीएमसी में उपचाराधीन थे। हिमाचल के 4 जिलों की अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा कल रविवार को होगी। शिमला किन्नौर सिरमौर और सोलन जिला के उम्मीदवारों के लिए शिमला का पोर्टमोर स्कूल परीक्षा सेंटर बनाया गया है। सुबह 4 बजे का रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है। ग्राउंड क्लियर करने वाले उम्मीदवारों को ही लिखित परीक्षा के लिए कॉल लेटर जारी किए गए हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मकर संक्रांति के पर्व पर शिमला के बसंतपुर वृद्धाश्रम का दौरा किया। वृद्धाश्रम में रह रही महिलाओं की स्थिति को देखते हुए सीएम ने वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम और निराश्रित हर महिलाओं को हर साल 10,000 रुपये के कपड़े का देने का वादा किया। हिमाचल के सिरमौर स्थित पौंटा साहिब के एसडीएम विवेक महाजन ने शुक्रवार रात रैन बसेरा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वह निराश्रय लोगों से मिले और उनका हालचाल जाना। रैन बसेरा में मिल रही मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान एसडीएम ने रैन बसेरा में हीटर लगाने के भी निर्देश दिए। हिमाचल में ओपीएस बहाल होने के बाद आज पहली बार अपने घर मंडी पहुंचे एनपीएस अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर का कर्मचारियों ने ढोलनगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रदीप ठाकुर ने कहा कि यूपीएस बहाल करने के लिए कर्मचारी संघ मंडी में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की आभार रैली करेगा, जिसमें करीब 1 लाख कर्मचारी जुटेंगे। हिमाचल के ऊंचे क्षेत्रों में बीती रात फिर ताजा हिमपात हुआ है। हिल्स क्वीन शिमला सहित कुल्लू, चंबा, मंडी, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई। ताजा बर्फबारी के बाद प्रदेश में 245 सड़कें और 623 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। इससे लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। हिमाचल के कांगड़ा जिला के ज्वाली में रात को अज्ञात चोरों ने बैंक में घुसकर 10,000 रुपये चुराए और भागे। चोरी की घटना बैंक में लगी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि चोर रात को बैंक के शटर का ताला तोड़कर घुसे। वहीं रात को गश्त के दौरान एक पुलिस कर्मचारी ने उसको देख लिया और शटर को बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद उसने बैंक मैनेजर को इसकी सूचना दी, लेकिन चोर बैंक के अंदर लगे एग्जॉस्ट फैन को तोड़कर भागने में सफल हो गए। हिमाचल के मुख्यमंत्री बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना पहला शिलान्यास किया। सीएम ने हिमाचल प्रदेश में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी घंडल में ऋषिका संघमित्रा गर्ल्स हॉस्टल की आधारशिला रखी। हॉस्टल को बनने में करीब 14.5 करोड़ की राशि खर्च होगी। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज सुपर भारत के साथ। सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित।
सत्य सटीक निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।